जी। क्या नाम है भाई? मोहम्मद वसीम। वसीम साहब कैसे हैं? सब ठीक है आप? जी अब ठीक है, बेहतरीन है जी। कहाँ के रहने वाले हो? समनाबाद। नशा किस चीज का करते थे? वाइट का करता था। है? वाइट का, पाउडर का। अच्छा, पाउडर का। तो कितना अरसा किया? मैंने 3 साल किया है। ठीक है जी। कितना पैसा उजाड़ा? पैसा वगैरह कोई हिसाब भी नहीं इसमें। नाक पे क्या हुआ? ये जोड़ लगी है। कैसे? वो टांग एक नहीं ना है तो वो साथ स्लिप जाती है। टांग कैसे, क्या हुआ टांग का? ये फायर लग गए थे उसकी वजह से कटी है। क्या करते क्या रहे हो जिंदगी में? जिंदगी में मैं शटरिंग का काम कारीगर हूँ। कारीगर जी। फायर भी लगा हुआ है, नशा भी करते हो? बस नशा, यार दोस्तों के साथ मिलके वगैरह। ये यारी दोस्ती तो मैंने सुना था कि आसानी पैदा करने के लिए होती है, ये कौन सी यारी दोस्ती है जो तबाही? बस कुछ यार दोस्त होते हैं आसान, कुछ होते हैं बुरे। बस बुरे यारों दोस्तों के लिए कोई पैगाम देना चाहोगे आज? पैगाम तो मैं यही देना चाहूँगा क्योंकि कोई भी है ना आजकल, कोई कहे ना कि भाई भी वो भी अपना नहीं है, सारे ही अपने। नशा छोड़ के तो देखो। नशा जब से यहाँ पे आया मुझे माशाल्लाह यहाँ पे आया, आज 9वां दिन है। अच्छा जी। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है इन 9 दिनों में मैंने अपने आप को बिल्कुल महफूज किया। ना कोई तलब होता है ना, एक बंदा तलब करता है बार बार डॉक्टरों को तंग करता। लेकर कौन आया था? यहाँ घर वाले लाए थे। चक्कर लगाते हैं? नहीं, वो उम्रे पे गए हैं। उम्रे पे गए? हाँ जी। चलो भाई, अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। नाज़रीन, इंसान अपनी जिंदगी अपने हाथों से तबाह करता है। मालिक कायनात बार बार मौका देते हैं जिंदगी को संभालने का, संवारने का। इंसान के पास एक बार फिर मौका आया कि अपनी जिंदगी को संवार ले, अपने खानदान कबीले। एक बात बहुत आसानी से कह दी जाती थी कि भाई भी अपना नहीं होता, बहनें भी अपनी नहीं होती, सारे बदल जाते हैं। भैया जब आप गलत काम करोगे तो वो ज़रूर बदलेंगे, उनको बदलना चाहिए भी, लेकिन इस तमाम मामले में आप वापसी के रास्ते पर आके तो देखो, अगर वो रिश्ते एज इट इज आपको ना मिले तो फिर कहिएगा। एक और साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार? इतना खूबसूरत नौजवान हो, नशा क्यों करने लगे? वैसे ही किसी ने मुझे कहा तुम्हारी शुगर खत्म हो जाएगी तो ये करो हो जाएगा। ये किसने कहा था? है गली में लड़का। किस इलाके से? ये 7 अप। अच्छा जी, तो शुगर खत्म करने के लिए किस चीज का नशा करना पड़ता है? वाइट। वाइट का यानी पाउडर का? हाँ। तो फिर हुई खत्म शुगर? 4 साल तो खत्म रही है, अभी फिर शुरू हुई। अच्छा, तो अब यहाँ पे नशा छोड़ने के लिए आए हो या शुगर खत्म करवाने के लिए? नशा छोड़ने के लिए है, शुगर नहीं खत्म होती, इंसान खत्म हो जाएगा। हाँ ये ना बात। तो फैमिली की बताओ? फैमिली माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो उनके साथ ज्यादती जब की तो बहुत परेशानी हुई? ज्यादती कर करके इसलिए मैं इधर आया हूँ कि आपसे नहीं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर देखो, इधर देखो। अगर जिंदगी में कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब वापसी का रास्ता नजर आ रहा हो, अब आपके पास वापसी कर आंखें बंद करने से, सर झुकाने से क्या फर्क पड़ेगा? अपने पेरेंट्स को यहाँ से कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहो तो मोहब्बत भरा हम आपके पास है, दे लो। इंशाल्लाह मैं नशा नहीं करूंगा आगे से। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। नाज़रीन, ये खूबसूरत बच्चा है, एक जवान शख्स है। ये वो बच्चा है कि अगर ये इस हरकत में ना पड़ा होता तो आज अपने घर का कफील होता, आज अपने घर का सहारा होता, आज अपनी माँ का वो बेटा होता जिस पर माँ हर सांस के साथ फख्र कर सकती, बहन का वो भाई होता जो उसके सर पर दस्ते शफकत रखने वाला, बाप का वो बेटा होता जो बाप के बुढ़ापे का आज सहारा बन चुका होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नशा बताया गया शुगर खत्म करने के लिए, शुगर खत्म हो जाएगी अगर नशा करने लगो, तबाही मुकद्दर बन गई। आज वो खुद मान रहे हैं कि शुगर खत्म नहीं हुई, जिंदगी तबाही की तरफ चली गई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरांवाला। गुजरांवाले से? तो यहाँ क्या कर रहे हैं? इलाज के लिए आए। इलाज के लिए आया। क्या ऐसा किया था कि इलाज की जरूरत पड़ गई? ज्यादा करने लग गए थे, बच्चे परेशान करते थे, घर वाले परेशान करते थे, बस इसलिए आए। अच्छा, घर वाले और बच्चे परेशान करते थे जो नशा करने लगा? हाँ। नशा परेशानी का हल? नहीं नहीं, वो कह रहे थे कि छोड़ इसे। अच्छा जी। मैंने मुझे दाखिल करा दें किसी जगह,
ठीक है, कितना अरसा नशा किया? तकरीबन 3 साल 4 साल लगभग। तीन साल से चल रहे हैं? हाँ। क्या इरादा है? यारी दोस्ती मरवा देती है। नहीं, अपना नंबर तो ये ना लेके मैं तुम कॉल करके दस दाना की नींद नवाज में ठीक हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये ईद अगर नशा ना करते होते तो घर वालों के साथ थी? हाँ। अब भी घर वालों के साथ? तो ये ठीक होगी तो जाओगे ना? ठीक है, पंद्रह दिन डॉक्टर और लोगों ने टाइम दिया था हमें, लेकिन मैं तो तीसरे दिन बाद फिट हो गया। ये तो डॉक्टर बताएगा कि फिट हुए कि नहीं। डॉक्टर नहीं चल रहा, डॉक्टर नहीं नहीं, डॉक्टर की छोड़ोगे ना तो फिर मसला खराब होगा। नहीं नहीं, जो बंदा अंदर जमीर ये चीज़ें कहना ना भैया, मैं ठीक हूँ। जो मरीज जेल। अच्छा, नशा शुरू कैसे किया था ये थोड़ा सा रहनुमाई करो, क्या ऐसा वाकया हुआ, कब नशा शुरू किया, कितने साल पहले? मेरे घरेलू इतना थे कुछ मेरे ससुराल के साथ जो मेरी बीवी थी ना, हमने लव मैरिज की। लव मैरिज की थी? अच्छा जी। ठीक है, मेरे 3 बच्चे हुए, मैं बाहर लीबिया चला गया। कहाँ चले गए? लीबिया। लीबिया चले गए? अच्छा। तो मैंने बहुत पैसा इकट्ठा किया है बंदा। वो पैसा कहाँ है? कुछ उसके पास, कुछ मेरे घर वालों के पास। मैं बीवी कहाँ है? वो लेदर है, अपने माँ बाप के साथ रह रही है। अलहदा हो गई तो लव मैरिज कर ली? यानी कि इतलाक तक नहीं ली मैंने, तो इतलाक उसने भी नहीं ली ना मैंने ली। नशा? नशा नहीं। हाँ। हाँ बस है? दौलत की है बस। अच्छा जी, तो दौलत तो उनको दी आपने बहुत ज़्यादा। फिर गलतियाँ कभी ऐसा भी हम मान सकते कि यार मेरी भी क्यों गलती थी? हाँ। क्या गलती की आपने? छोटी बातों पे उसकी आदत थी चिड़चिड़ापन। अच्छा, ये बस गलती। यानी कसूर हमेशा दूसरे में? हमें नहीं। हाँ, कोई गलती तो हमने भी की होगी। ये होती है तो माना भी करें ना, रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का कसूर, बच्चे में डेली बिना नाराज तकरीबन 6-8 दिन हो गए थे। 8 दिन से डेली टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ। उनको आज टेलीफोन पे बात की जरूरत नहीं थी। सच ये है कि बच्चों को आज बाप की जरूरत थी। आज बच्चों को उस बाप की जरूरत थी जो उनके लिए सहारा बनता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे आज सिर्फ टेलीफोन पर बात सुन सकते हैं। बीवी प्यार की शादी की थी, लव मैरिज की, नशा, पैसे, क्या क्या कहानियाँ। सिर्फ दुआ ये है कि अब जो मौका मिला है उसको अटेन किया जाए और ज़िंदगी को सस्टेन किया जाए। अस्सलामुअलैकुम। कहाँ से आए? नारगली से। नारगली? अनारकली से। तो नशा कितने अरसे से कर रहे थे? नशा तो मैंने 1.5 साल से किया है। 1.5 साल से शुरू? क्यों शुरू किया था? अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, क्यों शुरू किया? यारो दोस्तों में बैठे बस उधर लानत पे, जो यारे सी यारी पे जो नशा करवाती है। अब लानत ही भेजनी है, अब लानत ही भेजनी है ऐसी यारी पे। तो उसको क्यों लेके साथ चल रहे थे? आप तो देखो इस उम्र तक आते तक मेरे ख्याल से इस चीज का इदराक हो जाता है कि ये ठीक है, ये गलत है, ये तबाही है। बिल्कुल बिल्कुल यही हो जाता है। फिर वो तबाही क्यों चुनी? तबाही चुनी गई पर वो गलती थी। किसकी? तस्लीम करता हूँ मैं अपनी गलती थी, तस्लीम करता हूँ। अब ये नशा करना बस वो नशे का याद है? हाँ जी। क्या हुआ? क्या हुआ, ये हुआ था कि बैठे हुए थे, यार दोस्त लाए हैं नशा, उन्होंने बनाया है, एक आधा सूटा लगाया, लगाते 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 चरस पे लग गए। तो अब ये सोचा है कि ना वो यार रखने हैं, ना वो दोस्त रखने हैं, ना वो गैदरिंग रखनी है। एक चीज, अनारकली बिल्कुल यहाँ से करीब है, मेरे ख्याल से 7-8 मिनट का फासला है। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर आके जब दाखिल हुए हो तो वो यार जिन्होंने नशे पे लगाया था कितने पीछे आए? कोई भी नहीं आया। कितने इसी तुम्हारे घर का ख्याल रख रहे हैं? इसी बात का एहसास हुआ है। उनमें से कितने तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, तुम्हारी वालदा का ख्याल रख रहे हैं, तुम्हारे वालिद का ख्याल रख रहे हैं? कोई नहीं। कहाँ गए? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं आता पीछे। इसी बात का एहसास हुआ इधर आके
और इसी बात से मैंने ये सोचा है कि अब काम करना है, सिर्फ काम करना है, नशा नहीं करना। कोई काम करना आता है? हाँ, मोबाइल मोबाइलों का काम किया मैंने। क्या? रिपेयरिंग का? रिपेयरिंग का नहीं, सेल परचेज का। अच्छा, तो मार्केट में जाके दोबारा तो इस काम पे लग जाओगे ना? कितने बच्चे हैं? अभी शादी नहीं हुई, शादी करवानी है, 6 माह में साल में शादी हो जानी मेरी। पहले नशा छेड़ेगा तो कुड़ी लगेगी ना? नशा छोड़ दिया मैंने। पक्की बात है? पक्की बात है। 18वां दिन हो गया मुझे इधर। वेरी गुड। 15 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं, घर वाले नहीं आ रहे। आपकी मेहरबानी होगी, निकलवाएं। अगर मैं नशा करूं तो आप ही मुझे इधर दाखिल करके जाएं, बल्कि इससे बेहतर जगह पे, बेहतर जगह पे दाखिल करके जाएं जहां पे 6 माह साल बात ही नहीं होती। अगर मैं नशा करता हूं, मैंने नशा छोड़ना है, नशा करना नहीं है। मैं नशा छोड़ने के इरादे से इधर आया हूँ, इधर आया हूँ। माँ बाप के लिए ये पैगाम है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं। ये नहीं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। अगर कुछ बच्चे कह रहे होते हैं ना हम नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे, अगर कुछ बच्चे कह रहे होते हैं तो वो झूठ बोल रहे होते हैं। आप झूठ वाले खाते में सच वाले खाते में? मैं तो अब प्रैक्टिकल में आऊँगा तो आपको पता लगेगा, इससे तो पता नहीं लगेगा बात से। कोई ऐसी वजह कि माँ बाप आप पे एतमाद कर रहे हैं? वजह यही है कि मैंने कसम खाई है माँ की और वालिद की कि नशे में गुना अभी नहीं छेड़ू, करूँगा ही नहीं, अब करूँगा ही नहीं। नाज़रीन, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा फरमाए। पेरेंट्स भी क्या करें, ऑनेस्टली इस सिचुएशन में आके इन पेशेंट से मिलने के बाद, देखने के बाद शर्म भी आती है, अफसोस भी होता है, लेकिन एक उम्मीद भी नज़र आती है। शर्म और अफसोस बुनियादी तौर पर इस वजह से होता है कि ये भी किसी घर के बेटे हैं, ये भी किसी घर के कफील होने चाहिए थे आज। और उम्मीद जो है उसकी शमा इस वजह से नज़र आती है कि आज इस मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा, ख़ास तौर पर शहर लाहौर की तारीख में पहली दफ़ा गवर्नमेंट की जानिब से कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर तरतीब किया गया है जहां रिहैबिलिटेशन की बात की जाती है, जहां वापसी की बात की जाती है, जहां खैर की बात की जाती है, जहां आसानी की बात की।